सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे स्वच्छ अटल बिहारी वाजपेयी मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में रविवार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची देवरिया की बेटी मंजुला पाठक, जिनके हाथ में भारतीय सीनियर महिला हैंडबॉल टीम की कमान सौंपी गई है। फुटबॉल मैच के फाइनल में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंची मंजुला पाठक ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट की आवश्यकता है। इस तरह के टूर्नामेंट लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फुटबॉल के प्रति जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, भारत में फुटबॉल को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो लड़कियों का हौसला बढ़ेगा और उनकी एक अच्छी टीम बनेगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से प्रवीण कुशवाहा से बात करते हुए भारतीय महिला सीनियर हैंडबॉल टीम की कप्तान मंजुला पाठक ने कहा। बस जैसे बढ़ावा देते जा रहे हैं सर, वैसे ही अगर रहता रहा तो यूपी में बहुत मतलब कि आगे गेम डेवलप हो जाएगा और गर्ल्स के लिए भी सही रहेगा अगर ऐसे टूर्नामेंट होते रहें। छोटे छोटे टूर्नामेंट होंगे तो उनको खेलने का मौका मिलेगा, उनसे उसको एक्सपीरियंस आएगा, तो फिर बड़े टूर्नामेंट के लिए वो सही रहेगा। तो ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे और सर का सपोर्ट रहेगा तो मतलब मुझे लगता है स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा। जो रुझान है लड़कियों का फुटबॉल के प्रति, हाँ, वो किस तरह का? इंडिया में फुटबॉल इतना होता नहीं है और ना ही इतना कोई सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है फुटबॉल को लेकर, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे तो गर्ल्स का भी अच्छा टीम बन जाएगा और काफ़ी बदलाव होगा।